अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 37 के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेसन में हम HTML5 एंड CSS3 में CSS अप्लाई करेंगे लिंक के ऊपर। इससे प्रीवियस लेसन में भी हमने CSS अप्लाई किया था लिंक के ऊपर, और उसमें हमने देखा, हमने किया था कि जब आप अपना पॉइंटर मूव करो या फिर आप जब क्लिक करो या फिर आपका जब ओपन हो जाए, आपकी साइट ओपन हो जाए, तो उसमें कैसे कलर आप चेंज कर सकते हो। जब पॉइंटर मूव करो तो उसका कलर चेंज हो जाए, क्लिक करो तो उसका कलर चेंज हो जाए, तो आप लिंक का कलर कैसे चेंज कर सकते हो, इसके ऊपर डिस्कस किया था। आज भी हम कुछ इसी तरह के टैग्स के ऊपर काम करेंगे, इसी तरह कुछ स्टाइल्स के ऊपर काम करेंगे। तो आज के लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें काम किस किस चीज़ पे काम करना है वो देखते हैं जी। आज के लेसन में हमने बैकग्राउंड लिंक कलर वगैरह पे डिस्कशन करनी है। इसके अलावा हमने देखना है जी यूजिंग लिंक कलर, लिंक कलर आप कैसे अप्लाई करते हैं, वेस्टर्न कलर कैसे अप्लाई करते हैं, हॉवर कलर कैसे अप्लाई करते हैं, इन लाइन कलर कैसे अप्लाई करते हैं, और उसके अलावा ये सारे के सारे बैकग्राउंड पे हम काम करेंगे। और उसके अलावा हमने टेक्स्ट डेकोरेशन के ऊपर भी काम करना है कि टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होती है, उस पर कैसे काम किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आज का, तो उसके लिए मैंने एक बैकअप फाइल बनाई हुई है और इस पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसका टाइटल देता हूँ लिंक स्टाइल एंड डेकोरेशन। डेकोरेशन ओके, तो बस यहाँ पे लिंक ओपन है और यहाँ से मैं इसको प्रोजेक्ट में ओपन करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को HTML का प्रोजेक्ट, और इसको ओपन विथ गूगल क्रोम करता हूँ। तो यहाँ पर उसे एक लिंक ओपन है, तो मैं यहां से सेव एज करता हूँ। ओके, अब जो काम करना है वो क्या क्या काम करेंगे हम, इसके अंदर आप कुछ और स्टाइल अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए मैं एक स्टाइल टैग यूज करूंगा। स्टाइल, और इसके अंदर जो स्टाइल देते हैं कौन कौन से स्टाइल हो सकते हैं और कौन कौन से स्टाइल देंगे, तो आज हम बैकग्राउंड स्टाइल देंगे। तो प्रीवियस लेसन में हमने कलर का स्टाइल दिया था, आज के इस लेसन में हम बैकग्राउंड स्टाइल देंगे। लिंक के अंदर हमने आज कौन सा स्टाइल देना है जी, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का स्टाइल देना है कि मैं बैकग्राउंड कलर्स का चेंज, बैकग्राउंड का कलर इसका चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर कौन सा आ जाए जी, इसका बैकग्राउंड कलर हो पिंक। कलर पिंक हो गया इसका, देखें। ओके, आप और कौन कौन से इसमें टैग यूज हो सकते हैं, लिंक के अंदर मैं स्टाइल यूज करता हूँ, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पहला मैंने लिंक दिया था, और अब मैं इसको देता हूँ लिंक के बाद है विजिटेड, जब मैं इस पर विजिट करूँ तो क्या हो, विजिटेड, बैकग्राउंड कलर इसका आ जाए ग्रीन। कंट्रोल इसका सेव करता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, देखिए इस पर क्योंकि विजिट इस पर विजिटेड हो गया, इस पर अप्लाई हो गया, मैं एक बार इस पर विजिट कर चुका हूँ, ग्रीन हो गया इसका कलर, ग्रीन नज़र नहीं आ रहा सही, तो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ नेवी ब्लू।
नेवी ब्लू कलर हो गया, पिंक कलर इसका आगे तकरीबन। सेव करता हूँ येलो कलर। ओके और नेक्स्ट जो स्टाइल है वो मैं देता हूँ जिसको, एंकर के लिए विस्टेड के बाद है हॉवर। जब इसमें कर्सर अपनी पॉइंटर मूव करूँ तब इसका कलर चेंज हो जाए, और कौन सा कलर हो जाए, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसका आ जाए जी ग्रीन, बल्कि ब्लू। जब कर्सर मूव कर रहा हूँ तो क्या हो गया, कलर इसका चेंज हो गया। और उसके बाद लास्ट जो उसका स्टाइल है वो कौन सा है जी, वो है इसका विजिटेड स्टाइल। जब विजिट हो जाए तो कौन सा कलर इसका चेंज है, विजिटेड स्टाइल है। बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। विजिट हो गया, क्लिक करो, कलर भी चेंज हो गया और दूसरा कलर भी चेंज हो गया। और जब इसको पॉइंटर मूव करोगे तभी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसका कलर चेंज किया हुआ है। तो वेस्टेड टैग को खत्म करते हैं पीछे। एक्टिव, सॉरी वेस्टेड नहीं, एक्टिव, कंट्रोल जेड एक्टिव। क्लिक करेंगे तो जब एक्टिव हो जाएगा तो इसका कलर चेंज होगा, ग्रीन हो जाएगा। देखें अभी येलो है, मूव करता हूँ ब्लू कलर हो गया है, क्लिक करूँगा तो ग्रीन कलर हो जाएगा इसका। तो ये कुछ और स्टाइल है इस पर और भी स्टाइल अप्लाई करते हैं इसमें। और एक और इसमें आप टैग यूज़ होता है जिसको डेकोरेशन हम कहते हैं। अब पहले का जो बैकग्राउंड है वो तो नॉर्मल है, अब इसमें डेकोरेशन इसमें देता हूँ एक, और उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन का टैग यूज़ होता है। टेक्स्ट डेकोरेशन नॉर्मल, जो पहला मैं टेक्स्ट डेकोरेशन इसको दे रहा हूँ वो देता हूँ लाइन थ्रो, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखें इसके बीच में से लाइन, देखें इसके बीच में से लाइन जा रही है। और इसको मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन करता हूँ अभी फिलहाल। विस्टेड में जब मेरे पास हो, विस्टेड को छोड़ें, हावर, हावर में जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो इसकी कौन क्या क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी होनी चाहिए जी अंडरलाइन, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। सेव करता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करूँगा। देखें जब मैं इस पर देखें और जब क्लिक इसमें माउस मूव करता हूँ, देखें इसका कलर क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। और हावर का कलर जो है मैं इसको अब मैं यहाँ से कलर जो है इसको ख़त्म कर देता हूँ, मैं सिर्फ डेकोरेशन ही अप्लाई कर रहा हूँ।
से बैकग्राउंड का ख़त्म कर दिया उन्हें। कंट्रोल एस का सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, बैकग्राउंड ख़त्म हो गया। देखिए अब जो मैंने काम करना है वो क्या है, लिंक में टेक्स्ट डेकोरेशन नैन आ गई, विजिटेड पे टेक डेकोरेशन नैन आ गई, और आवर में क्या है, पैकेट क्लोज करता हूँ आपसे, कंट्रोल एस कर सेव करता हूँ। और अब देखें देखें जब मूव कर रहा हूँ, देखें इसके नीचे अंडरलाइन आ गया, यहाँ पे देखें ज़रा नन आ गई, और जब मैं हॉवर करता हूँ इसके नीचे अंडरलाइन आ गया। और जब टेक्स्ट एक्टिव हो जाए तो मैं चाहता हूँ अपर लाइन आ जाए, लेकिन आपकी मर्जी, आप अवर लाइन इसको दे देता हूँ, अवर लाइन कंट्रोल एस कर सेव करता हूँ, रिफ्रेश। देखिए अब जब मूव कर रहा हूँ टैक्सी ऊपर, आवर लाइन आ गया। इस समय चाहता हूँ जब मैं मूव करूँ तो थ्रो आउट हो जाए, इसमें लाइन थ्रो हो जाए, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, देखिए ज़रा जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर लाइन थ्रो आ जाएगा। तो ये कुछ इसके डेकोरेशन स्टाइल्स हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए। अब उसमें क्या क्या जी डेकोरेशन का स्टाइल कौन कौन सा है, नन आ गया डेकोरेशन का स्टाइल जो है, तो एक आपके पास आ जाता है जी डेकोरेशन स्टाइल अंडरलाइन, एक आपके पास आ जाता है जी डेकोरेशन स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन आ जाता है आपके पास आउटलाइन, और एक आ जाता है जी लाइन थ्रो। डेकोरेशन आ जाता है जी लाइन थ्रो, तो ये कुछ इसके स्टाइल हैं। लाइन थ्रो है, कलर क्लिक करेंगे तो देखें कलर्स का लाइन जो है तो ओवर लाइन आ जाता है। तो ये कुछ इसके स्टाइल हैं। तो इसमें हमने आज के लेसन में हमने क्या क्या देखा कि आप टेक्स्ट डेकोरेशन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी लिंक के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।